मैं राजकुमार कुशवाहा, आज मैं आपको दिखाऊंगा भिंडी। भिंडी कैसे लगाया जाता है? जी हाँ, भिंडी लगाने के सही तरीके और कैसे लगाया जाता है आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं, भिंडी कैसे लगाएं। सबसे पहले खेतों की अच्छे तरीके से जुताई होना चाहिए। खेत तैयार होने के बाद हम उसमें अपने कुदाल, फरुहा, फावड़ा से छोटे बड़े क्यारी बनाएंगे। उन क्यारियों में भिंडी लगाएंगे। कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भिंडी का बीज लेंगे छोटे बर्तनों में अपने हिसाब से। उन बर्तनों में लेने के बाद एक एक दाने निकालेंगे और 10 से 12 इंच की दूरी पर एक एक बीज लगाते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि क्यारी में किस तरह से लाइन सीधी बनाई गई है। इन लाइनों को अपने हिसाब से, ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा नज़दीक भी ना हो, अपने हिसाब से देखकर लाइन बनाएं। उन लाइनों पर धीरे धीरे एक एक बीज 10 से 12 इंच की दूरी पर रखते जाएं। जैसे आप देख रहे हैं किस तरह से भिंडी लगाया जा रहा है। लगाने के बाद पूरी तरह से जब लग जाए तब हम सिंचाई करेंगे, ताकि पूरी तरह से बीज उग जाए कुछ दिनों में। तो लगाने की गतिविधियाँ यह हैं। और दूसरी प्रकार से छोटे छोटे क्यारी बनाएंगे और कुदाल से दहला मार के 10 से 12 इंच की दूरी पर दहला मार के लगाया जाता है। दो तरह से हम लगा सकते हैं, या तो दहला मार के या तो सीधी लाइन बना के अपने हिसाब से कुछ दूरी बनाकर लाइन बनाएंगे और बीज को रखते जाएंगे। पूर्ण रूप से लगाने के बाद हम सिंचाई करेंगे, कुछ दिनों में पूर्ण रूप से जम जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।